हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे ऑथर चार्ल्स ड्वेक की मशहूर किताब द पावर ऑफ हैबिट के बारे में। इस बुक में उन्होंने हमें बताया है कि हम जो करते हैं वो क्यों करते हैं, आदतें कैसे फॉर्म होती है और उन्हें कैसे चेंज किया जा सकता है। इस बुक में उन्होंने कई साइंटिफिक स्टडीज और रिसर्च के चौंका देने वाले नतीजे भी शेयर किए हैं। ये बुक बहुत ही इंटरेस्टिंग है और इससे ना सिर्फ आपकी पर्सनल लाइफ बल्कि आपकी बिजनेस में भी हेल्प होगी, क्योंकि बिजनेसेस ज़्यादा करके कंज्यूमर हैबिट्स का यूज़ करते हैं अपने प्रोडक्ट सेल करने के लिए। तो आइए जानते हैं इस बुक की कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स के बारे में। दोस्तों, ऑथर हैबिट्स उन सभी एक्टिविटीज़ को मानते हैं जो कि हम इतनी बार कर चुके हैं कि हमारा दिमाग अब उन्हें बिना ज़्यादा सोचे समझे ऑटोमेटिकली कर सकता है। इसमें सिंपल एक्टिविटीज़ जैसे कि ब्रश करना और कॉम्प्लिकेटेड एक्टिविटीज़ जैसे कि गाड़ी चलाना, ये सब शामिल है। जब हम कोई नई एक्टिविटी सीख रहे होते हैं तो हमारा ब्रेन काफ़ी एनर्जी स्पेंड करता है उसे समझने में, क्योंकि हमें नहीं पता होता है कि एग्जैक्ट स्टेप्स क्या है इस एक्टिविटी को सक्सेसफुली कंप्लीट करने के लिए। लेकिन जब हम उस एक्टिविटी को कई बार सक्सेसफुली कंप्लीट कर लेते हैं तो हमारा ब्रेन को ज़्यादा एनर्जी नहीं स्पेंड करनी पड़ती वो एक्टिविटी करते वक्त डिसीजंस लेने में। सो हैबिट्स इसलिए फॉर्म होती है क्योंकि हमारा ब्रेन हमेशा कोशिश कर रहा होता है अपनी एनर्जी बचाने की। जो भी एक्टिविटीज़ हम लगातार करते रहते हैं वो हमारे ब्रेन के एक प्रिमिटिव हिस्से में स्टोर होती है, जो कि जानवरों में भी पाया जाता है। इसलिए कई लोगों को जब ब्रेन डैमेज होता है और वो कुछ याद नहीं रख पाते, फिर भी उन्हें कुछ बेसिक चीज़ें याद रहती है, जैसे कि बात करना, पढ़ना, लिखना। हैबिट्स रिपीटेशन से फॉर्म होती है। कोई भी हैबिट फॉर्म करने के लिए आपको उसे 21 डेज लगातार करना होगा। इसके बाद वो आपको आसान लगने लगेगी और जब आप उसे लगातार 90 डेज करोगे तो वो एक लाइफस्टाइल बन जाएगी। हैबिट्स बनाने के लिए तीन चीज़ों की ज़रूरत होती है, क्यूज, रिवॉर्ड्स और क्रेविंग्स। पहली इम्पॉर्टेंट चीज़ है क्यू, यानी कि कोई इशारा या संकेत। क्यूज कई तरह के होते हैं, विजुअल, ऑडिबल, स्मेल, थॉट्स। जैसे अगर कोई स्मोक करता है तो उसे जब सिगरेट की स्मेल आती है तो उसे सिगरेट पीने का मन करता है। वो स्मोक उसके लिए एक क्यू का काम करती है, उसे याद दिलाती है कि सिगरेट पीते वक्त उसे कितना अच्छा फील होता है, यानी वो उसे सिगरेट से मिलने वाले रिवॉर्ड की याद दिलाती है। रिवॉर्ड्स हमारे ब्रेन में डोपामाइन रिलीज करते हैं, जो कि फील गुड हॉर्मोन्स होते हैं। इसलिए हमारा ब्रेन कंटिन्यूसली उन एक्टिविटीज़ को रिपीट करना चाहता है जिसे करने से उसे पास्ट में डोपामाइन मिला हो, वो उन एक्टिविटीज़ को क्रेव करने लगता है। ये अच्छी एक्टिविटीज़ भी हो सकती है, जैसे कि एक्सरसाइज करना, या फिर हार्मफुल एक्टिविटीज़ भी हो सकती है, जैसे कि स्मोक करना। इसलिए आदतें अच्छी और बुरी दोनों चीज़ों की लग सकती है। एक बार हैबिट फॉर्म हो जाए तो उसे स्टॉप करना मुश्किल होता है। ये चीज़ रैट्स के साथ एक एक्सपेरिमेंट में देखी गई। एक क्लिक के साउंड पे उनके लिए एक एंट्रेंस खोल दिया जाता था और जब वो उसके अंदर जाते थे तो उन्हें चॉकलेट से रिवॉर्ड दिया जाता था। जब कुछ दिन बाद उन्हें इस एक्टिविटी की आदत लग गई तो जब फ्लोर को शॉक दिया गया और चॉकलेट्स को पॉइजन किया गया, फिर भी वो रैट्स उस एंट्रेंस के अंदर जाते थे, भले ही बाद में उन्हें इससे तकलीफ होती हो। तो इससे पता चलता है कि हमारे ब्रेन के लिए हैबिट्स की पावर कितनी स्ट्रॉन्ग होती है। तो अगर हम कोई बैड हैबिट को ख़त्म करना चाहते हैं तो उसे किसी अच्छी हैबिट से रिप्लेस करना होगा। जैसे जो लोग टीवी देखना कम करना चाहते हैं या बंद करना चाहते हैं तो उन्हें बुक्स रीड करना चालू कर देना चाहिए, क्योंकि अगर वह ऐसा नहीं करेंगे तो वो पुरानी हैबिट फिर से करना चालू कर देंगे, क्योंकि हमारे ब्रेन को हमेशा डोपामाइन यानी कि रिवॉर्ड चाहिए होता है, तो आपको किसी ना किसी तरह उसे वो देना होगा। ये बात कंपनीज अच्छी तरह से समझती है, इसीलिए वो अपने प्रोडक्ट्स को इस तरह से डिज़ाइन करती है कि वो आपकी क्रेविंग्स को ट्रिगर करे, स्मेल, टेस्ट या फिर ब्रांडिंग। फिर उसे
वो एडवर्टाइज भी इस तरह से करवाते हैं कि आपको लगे कि ये प्रोडक्ट आपके लिए रिवॉर्डिंग है। ऑथर इसमें एग्जांपल देते हैं फेब्रीज इस प्रोडक्ट का, जो कि शुरुआत में सेल किया गया था बिना किसी फ्रेग्रेंस के, सिर्फ चीज़ों को साफ करने के लिए। लेकिन कंज्यूमर्स में उसकी क्रेविंग नहीं हो रही थी और उसके सेल अच्छे नहीं जा रहे थे, तो बाद में उसमें फ्रेग्रेंस ऐड की गई और उसे नए तरीके से एडवर्टाइज किया गया। इससे हाउसवाइफ्स में उस प्रोडक्ट की क्रेविंग बढ़ गई और कंपनी को मिलियंस का प्रॉफिट हुआ। ऑर्गेनाइजेशंस भी अपने एम्प्लॉयज में गुड परफॉर्मेंस की हैबिट फॉर्म करने के लिए रिवॉर्ड्स का यूज करते हैं, बोनस और अप्रेजल के रूप में। तो ये थी समरी द पावर ऑफ हैबिट इस किताब की। इस बुक का Amazon लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दिया है, आप चेकआउट कर सकते हैं अगर आप खरीदना चाहते हो तो। उम्मीद है इस बुक से आपको मदद मिलेगी बुरी आदतें खत्म करके अच्छी आदतें फॉर्म करने में। आपकी लाइफ में हैबिट्स का कितना इन्फ्लुएंस है, बुरा है या अच्छा है, ये कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर कर देना। ऐसे और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल नोटिफिकेशन प्रेस करना ना भूलिएगा। थैंक यू ये पूरा वीडियो देखने के लिए, और हम मिलेंगे नेक्स्ट टाइम ऐसे ही किसी वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।